हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग इन हिमाचल। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ अपने पालक के प्लॉट की तरफ, जहाँ इसकी जो है तकरीबन 10 दिन में ही दूसरी कटाई जो तैयार हो चुकी है। तो पहले 10 दिन पहले मैंने फर्स्ट कटाई की थी, हफ्ता 10 दिन पहले। तो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कैसे जो इसकी पालक की कटाई की जाती है और कैसे जो लाइन वाइज इसकी बिजाई की जाती है। तो वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी जानकारी आपको बताई थी पालक की खेती के बारे में, पूरा डाटा बताया था कि कैसे कैसे इसकी जो खेती की जाती है, कितने बाई कितने स्पेस में इसका डिस्टेंस दिया जाता है और कौन से बीज अप्लाई किया था। तो पूरी जानकारी मैंने पहले जो पार्ट बनाए हैं उन पार्ट में बता दिया था कैसे जो इसकी बिजाई की जाती है, कैसे इसकी लाइनें लगाई जाती है, कैसे इसकी डेकोरेशन की जाती है, कैसे इसके बेड बनाए जाते हैं। पूरी जानकारी मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दी थी, फर्स्ट सेकंड पार्ट जो भी बनाए थे पहले। तो अब पालक की खेती यहाँ तक पहुँच गई है कि इसकी जो है सेकंड कटाई जो दूसरी कटाई तैयार हो चुकी है। तो इसकी जो दूसरी कटाई तैयार है, तो मतलब अब टाइम के हिसाब से इसकी जो दूसरी कटाई कर देंगे। ये तो बोलते हैं कि हमें आज ही काट दो, मगर हमारे पास थोड़ा वक्त कम है, वक्त की वजह से इसकी जो कटाई नहीं कर पा रहे। तो ये पालक का प्लॉट मैंने आपके सामने जो इसकी बिजाई की थी, तो यहाँ नीचे भी ये पालक लगाया है, वहाँ तक पालक, ये आके भी ये सारा पालक, ये पालक लगाया है। बिल्कुल हाइब्रिड पालक की खेती की हुई है, लोहरी पालक बोलते से। तो इसकी अच्छी खासी इनकम निकल जाती है इससे, 60 रुपये प्रति किलो इसके दाम चले आजकल। आपको पता, सर्दियों में पालक जो है सेहत के लिए काफ़ी ज़रूरतमंद होता है, उसमें काफ़ी विटामिन होते हैं। इसमें जो है पालक की सब्ज़ी के जो है डॉक्टर भी परामर्श देते हैं कि पालक की सब्ज़ी, हरी सब्ज़ियाँ खाएँ, तो हरी सब्ज़ी में काफ़ी गुणकारी तत्व होते हैं और सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो ये पालक का प्लॉट दोस्तों। तो कृषि से संबंधित जो मैंने अनेकों जानकारी आपको यूट्यूब के माध्यम से जो बार बार बताता रहता हूँ, सब्ज़ी खासकर सब्ज़ियों के बारे में, जैसे अभी सेशन चले हुए पालक का, धनिया का, ओहरे का, लहसुन का, गोभी की नर्सरी का, प्याज की नर्सरी का, बीन्स का, फ्रांस बीन्स का, आगे जो ओहरे के साग का, मूली का, सलगम का, गाजर का, गोभी का। तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको अनेकों जानकारी जो स्टेप बाय स्टेप बताता रहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी और आप वीडियो को देखकर जो है थोड़े बहुत तो मोटिवेट होते होंगे। जो भी वीडियो देखते हैं वो मतलब कुछ ना कुछ वीडियो के माध्यम से सीखते ही होंगे। तो मेरा पहले ही वीडियो डालने का, पहले ही मैं साफ क्लियर बताता हूँ कि मेरा वीडियो डालने का मकसद होता है अपने यूथ साथियों को जागरूक करना और उनको जो है कृषि के बारे में नई नई टेक्निक जानकारी बताना, ताकि वो भी कृषि से संबंधित जो भी जानकारी है यूट्यूब नेचुरल फार्मिंग इन हिमाचल यूट्यूब में जाएं, नेचुरल फार्मिंग इन हिमाचल सर्च करें और वहां से कृषि से संबंधित, खासकर सब्जी से संबंधित जो अनेकों जानकारियां उपलब्ध कर सकते हैं, वहां से जो है जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने पहले बताया कि मेरा मेन मोटिव होता है अपने दोस्तों को जागरूक करना, उनको भी कृषि के बारे में सिखाना और ख़ासकर उन साथियों को जो काम की तलाश में है और इधर उधर बैठ के रहते हैं कि हमारे पास कोई काम नहीं है। आजकल आपको पता पॉपुलेशन जो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है और काम डे बाई डे डिक्रीज़ हो रहा है। सरकारी नौकरियाँ मैक्सिमम, खासकर सरकारी नौकरी डिक्रीज़ हो रही है, जिस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उस हिसाब से सरकारी नौकरी नहीं है। नौकरियों का आंकड़ा तो उतना है, मगर पॉपुलेशन जो है डे बाई डे ग्रो कर रही है। तो इस हिसाब से हर लोगों के पास जो है रोज़गार नहीं, सरकारी नौकरी हर लोगों के पास नहीं हो सकती। या तो प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर से अच्छी नौकरी मिल जाए तो भी अच्छा है, नहीं तो स्वयं के सब रोज़गार के साधन जो आप स्वयं तलाश कर सकते हैं। जैसे किसी के पास ज़मीन है तो वो भी बगीचा लगा सकता है, सब्जियों के काम कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, कुक्कुट पालन एटसेट्रा जो भी है, अनेक कृषि से संबंधित जो अनेक मछली पालन अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जो है जिसके पास ज़मीन उपलब्ध है वो अलग अलग खेती कर सकता है। तो खेती से जो काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है दोस्तों का, मतलब इतने से प्लॉट में जो हम भी जो है पूरे साल में, मतलब पूरे साल के रोटेशन में जो सब्जियां पूरे साल भर सब्जी होती है, तो हम भी कभी चार पाँच लाख कभी 3-4 लाख सब्जियों के दाम के हिसाब से इससे मतलब साइड इनकम होती है, पार्ट टाइम जॉब कहते हैं इसे। पार्ट टाइम हमारे लिए तो पार्ट टाइम जॉब है, क्योंकि फुल टाइम हम दूसरी जगह भी काम करते हैं। तो इससे जो अच्छी खासी इनकम हो जाती है और अच्छी खासी जो है कमाई होती है और अपने घर में ताज़ा सब्जियां भी तैयार होती हैं। तो मेरा मेन मकसद होता है अपने यूथ को, साथी को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना कि आप स्वयं के सब रोज़गार के साधन स्वयं तलाश करें और अपने स्वयं के मालिक बने और स्वयं का काम करें, खुद का काम करें, खेतीबाड़ी करें, कृषि करें, पशुपालन करें,
मतलब जैसे दूध दूध का दूध पालन, गाय पालन जैसे पशुपालन, दूध का काम करें, मछली का काम, डेयरी 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 फार्म, कृषि, साग सब्जियों का, बागवानी का, बागवानी अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जो है फलदार पौधे लगा सकते हैं, और कृषि से भी जो है अलग अलग सब्जियों का कर जो अपना गुजर बसर कर सकते हैं, अपना गुजारा कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं और स्वयं के खुद मालिक बन सकते हैं। तो ये मेरा मोटिव होता है लोगों को जागरूक करना, जैसे डिपार्टमेंट वाले, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वाले जगह जगह जागरूक कैंप लगाते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं कि आप जो है कृषि के सेक्टर में जाए और यहाँ से इनकम प्राप्त कर सकते हैं आप, यहाँ से जो है जैसे सरकार के अनेकों सुझाव है लोगों को रोज़गार के साधन तलाश करवाने की, जैसे लेडीज़ को स्वयं सहायता समूह के जरिए जो है अलग अलग जो है रोज़गार थमा दिए गवर्नमेंट ने कि ये आप ये करें ये करें ये करें, इससे भी आपकी इनकम प्राप्त हो सकती है, ऐसे वैसे जो अनेकों रोज़गार प्राप्त कर रही है आजकल की महिलाएं। तो ये लाइन वाइज पालक की खेती देख सकते हैं, बिल्कुल लाइनों में, बिल्कुल सीक्वेंस में, तो आप देख सकते हैं ये दूसरी बार कटाई के लिए तैयार हो चुका है। तो ये बिल्कुल लाइन वाइज है, बीच में घास पड़ गया तो घास निकालना भी, कटाई करते जाएंगे साथ साथ घास निकालते जाएंगे। तो ये है पालक का प्लॉट। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, इसी तरह की अगर और वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि आगे से जो भी जानकारी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप वीडियो का आनंद ले सकें और किसी के बारे में सीख सकें।